ये एनिमे मूवी मैं जब देख रहा था तो मेरे बचपन की याद आ गई, क्योंकि जब बचपन में मैं देखा करता तो कार्टून नेटवर्क में हिंदी में आया करते थे। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा डिजीमोन लास्ट इवोल्यूशन मूवी के बारे में। और ये बहुत पुरानी एक एनिमे सीरीज थी जो कार्टून नेटवर्क पे हिंदी में आया करती थी, तब मैं इसको देखा करता था। तो नए डिजीमोन एनिमे सीरीज भी आ चुकी है, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा क्योंकि इतने ज्यादा एपिसोड है, उनको देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और जब ये मूवी मैंने देखी तो इसका टाइम लेंथ जो थी वो 1.5 घंटा ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको देख लिया जाए। और मैं खुश हूं कि मैंने इस मूवी को देखा, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर हैं, जो डिजीमोन इसके अंदर दिखाए गए, वो पुराने वाले ही जो मैं देखा करता था एनिमे सीरीज, जो कार्टून नेटवर्क पे आया करती थी, वही सेम टू सेम है। इसके अंदर वो बड़े हो गए हैं। अब इसके अलावा इस डिजीमोन के ऊपर और भी ज्यादा मूवीज आ चुकी हैं, वो मैंने नहीं देखी। अगर आप लोगों ने देखी तो प्लीज बताना कि उनके अंदर कौन से कैरेक्टर हैं। और अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल है कि इसके अंदर एक नया डिजीमोन आ गया, उसको बस हराना है। अगर इतनी ही कहानी होती तो सच कहूं ये मूवी देखने में मजा नहीं आता, लेकिन इसके अलावा इन्होंने इमोशनली कनेक्ट किया है हमें इस मूवी के साथ। जैसे कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डाला है कि जब ये जो कैरेक्टर हैं जो बड़े हो जाते हैं तो इनको अपने डिजीमोन से अलग होना होता है, यानी कि अब इनके अलग होने का टाइम आ चुका होता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और इन्होंने इमोशनल भी कर दिया था इस कॉन्सेप्ट से। जैसे कि लास्ट में जो कन्वर्सेशन होती है अगुमन और यामातो के बीच में, आपस में बैठकर जब कन्वर्सेशन हो रही होती है, और उधर गागुमोन और मैं तसीदा के बीच में बैठकर कन्वर्सेशन हो रही है, ये जो कन्वर्सेशन मैंने जब देखी यार, सच में बहुत ज्यादा इमोशनल कर देने वाले चीज थी। और सच कहूं यार, ये मूवी आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। अगर आप लोगों ने कार्टून नेटवर्क पर जो बहुत पुरानी डिजीमोन आया करती थी, तो बेस्ट मूवी है ये आप लोगों के लिए कि आप ये मूवी जरूर देखें। और इस मूवी के अंदर जो लास्ट में इवोल्यूशन दिखाया गया अगुमोन और गवमोन का, वो काफी ज्यादा मुझे इंप्रेसिव लगा। अलग अलग इवोल्यूशन होता है इन दोनों का, एक अलग ही एनिमे कैरेक्टर बन के आते हैं हमारे सामने, जो देखने में बहुत जबरदस्त लग रहा था। और जो लास्ट में इनकी फाइट दिखाई जाती है, एक जो नया डिजीमोन दिखाया गया इसके अंदर, और हमें पता होता है कि यार देखो इसके अंदर कौन जीतेगा, लेकिन बात वो नहीं होती। बात ये होती है कि जो जीतने का जो प्रोसेस है, जो जीतने की जो जर्नी है, जीतने वाला वो कैसे जीतेगा, इसका जो सस्पेंस है इसके मेकर्स ने बहुत अच्छे से बनाकर रखा है। शुरुआत में ये मूवी थोड़ी बहुत लैग करती है कि हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि डिजीमोन आ रहे हैं उनको हरा रहे हैं, थोड़ा बहुत ये लैग कर जाती है, हमें बोर करने लग जाती है। लेकिन इसके अंदर फाइटिंग सीक्वेंस अच्छे लगे मुझे, इसके अंदर जो स्टोरी जो इन्होंने इमोशनली कनेक्ट किया वो काफी अच्छा लगा मुझे। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं स्टार्टिंग वाली की बोर हो रहे हैं, ये आप इसमें इग्नोर कर सकते हैं। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को कि ये हिंदी में है, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं है यार। ये कहीं सोचो कि इसको हिंदी में मिल जाएगी, पुरानी वाली तो एनिमे सीरीज हिंदी में आया करती थी तो क्या ये हिंदी में, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हिंदी छोड़ोगे तो इंग्लिश डब में भी नहीं मिलेगी, आपको जो है इसके सबटाइटल के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5/10 स्टार। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो यार, बहुत बढ़िया एक इमोशनली मूवी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।